सोलो दोस्तों, कैसी हो आप लोग। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का बजट 20,000 के अराउंड है और आप लोग 20,000 रुपए की प्राइस में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को 6 मोबाइल फोन बताऊंगा जिन स्मार्टफोन में आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही आप लोगों को बता दूं कि 20,000 रुपए की प्राइस में से तो आप लोगों को काफी सारे मोबाइल फोन मिल जाते हैं, लेकिन जो बेस्ट सब्सक्रिप्शन होता है मोबाइल फोन के, जो बेस्ट फीचर्स होते हैं, वो आप लोगों को किसी किसी मोबाइल फोन में देखने ले मिलते हैं। और अगर ऐसे में आप लोग 20,000 रुपए के प्राइस में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ही देखकर मोबाइल फोन को खरीद लेते हो, तो आप लोग जो अपना नुकसान करा सकते हो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को 6 मोबाइल फोन बताऊंगा जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इन स्मार्टफोन में आप लोगों को बेस्ट कैमरा मिल जाता है, बेस्ट डिस्प्ले मिल जाते हैं, बेस्ट बैटरी मिल जाती है और बेस्ट रैम और स्टोरेज भी आप लोगों को बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के साथ इन स्मार्टफोन में आप लोगों को काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर भी मिल जाता है। आप इन 6 मोबाइल फोन में से कोई सा भी स्मार्टफोन अपने लिए परचेस कर सकते हो। देखो, और किसी की पसंद अलग अलग होती है और किसी को अपने मोबाइल फोन में कुछ ना कुछ खास चाहिए होता है, यानी कि किसी को जो सेल्फी कैमरा काफी ज्यादा चाहिए, तो किसी को जो रेयर कैमरा सेटअप है काफी ज्यादा हाई चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग इनमें से कोई सा भी स्मार्टफोन बिंदास परचेस कर सकते हो। बाकी बात करते हैं सबसे पहले नंबर 6 पर आने वाले मोबाइल फोन से। तो यहाँ पर जो नंबर 6 पर मोबाइल फोन आता है, ये आता है OnePlus 6T। एंड आप लोगों को बताना चाहूंगा कि OnePlus की तरफ से आने वाले इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 8GB रैम प्लस 128GB का स्टोरेज देखने के लिए मिलता है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर इसके रेयर कैमरा सेटअप के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 16MP प्लस 20MP का रेयर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ आप लोगों के यहाँ पर 16MP का फ्रंट कैमरा भी देखने के लिए मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन में आप लोगों को काफी बेहतरीन प्रोसेसर मिल जाता है Snapdragon 845 का, जो की काफी बेहतरीन प्रोसेसर है। 20,000 रुपए की प्राइस में आने वाले इस स्मार्टफोन में आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग इस मोबाइल फोन के बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हो कि मोबाइल फोन में हम लोगों को कितनी डिस्प्ले मिलती है, एक सारी चीज अगर आप लोग जानना चाहते हो, तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप इसे वहां से जाकर परचेज भी करोगे, तब भी आप लोगों को काफी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। बाकी बात करते हैं नंबर 5 पर आने वाले मोबाइल फोन के बारे में। तो इस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग की तरफ से आने वाला Samsung Galaxy A50। एंड आप लोगों को बता दूं कि इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 4GB रैम प्लस 128GB का स्टोरेज देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ आप लोगों के यहाँ पर 25MP प्लस 5MP प्लस 8MP का रेयर कैमरा सेटअप भी देखने के लिए मिलता है। और इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 25MP का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को सैमसंग का X97 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। बाकी आप लोगों को इस स्मार्टफोन में भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सब मोबाइल फोन में आप लोगों को जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो देखने के लिए मिलता है, बाकी सारे मोबाइल फोन जो एक से बढ़कर एक होने वाले हैं। बात करते हैं नंबर 4 पर आने वाले मोबाइल फोन के बारे में। तो इस स्मार्टफोन का नाम है वीवो की तरफ से आने वाला Vivo S1 Pro। एंड इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 8GB रैम प्लस 128GB का स्टोरेज देखने के लिए मिलता है। और इस स्मार्टफोन में आप लोगों को जो रियर कैमरा सेटअप है काफी ज्यादा बढ़िया मिल जाता है, 48MP प्लस 8MP प्लस 2MP प्लस 2MP। और इसी के साथ आप लोगों के यहाँ पर 32MP का फ्रंट कैमरा भी देखने के लिए मिलता है। तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को सबसे बेस्ट फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। बाकी आप लोगों को बता दे कि इस स्मार्टफोन में आप लोगों को Snapdragon 665 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि वाकई काफी ज्यादा पावरफुल है। बाकी इस स्मार्टफोन में भी आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं नंबर 3 पर आने वाले मोबाइल फोन के बारे में। तो इस स्मार्टफोन का नाम है रियलमी की तरफ से आने वाला Realme 9। एंड इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 6GB रैम प्लस 128GB का स्टोरेज देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ आप लोगों के यहाँ पर काफी तगड़ा रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है, 108MP प्लस 8MP प्लस 2MP। और इसी के साथ आप लोगों के यहाँ पर 16MP का फ्रंट कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को Snapdragon 680 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि गेमिंग के लिए भी काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर माना जाता है। 20,000 रुपए की प्राइस में आप लोगों के लिए जो वैल्यू फॉर मनी मोबाइल फोन हो सकता है। बाकी बात करते हैं नंबर 2 पर आने वाले सबसे बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो इस स्मार्टफोन का नाम है ओप्पो की तरफ से आने वाला OPPO F19 Pro Plus 5G। एंड इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 8GB रैम प्लस 128GB का स्टोरेज देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर जो आप लोगों को रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है, वो मिल जाता है 48MP प्लस 8MP प्लस 2MP प्लस 2MP। और 16MP का आप लोगों के यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ आप लोगों के यहाँ पर MediaTek Dimensity का 800U प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि वाकई काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल प्रोसेसर है। तो इस स्मार्टफोन में भी आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी जो Realme 9 मोबाइल फोन मैंने आप लोगों को बताया था, उस स्मार्टफोन में भी आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं नंबर 1 पर आने वाले मोबाइल फोन के बारे में। तो इस स्मार्टफोन का नाम है
रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G एनडी स्मार्टफोन में आप लोगों को 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है और इसी के साथ आप लोगों के यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी का 920 जो कि काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। बाकी इन सब मोबाइल फोन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप इन्हें वहां से जाकर परचेज भी कर सकते हो और इनकी सारी डिटेल भी जान सकते हो। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सब मोबाइल फोन में आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलेगा। बाकी अगर आप लोग इनमें से कोई सा भी एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो उसके बारे में सारी डिटेल आप लोग जान सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो और हाँ एक बात जरूर कि आप लोग हमें जो है इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी मिलते हैं हमारे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।